बजरंग पुनिया विनेश फोगाट हुए कांग्रेस में शामिल। विनेश बोली, बीजेपी हमें फूके हुए कारतूस समझ रही थी। हरियाणा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने पिछले दिनों बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस में आकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। इस बीच बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा है कि बीजेपी जब हमें सड़कों पर घसीट रही है तब तमाम विपक्षी पार्टियां हमारे साथ खड़ी थी। विनेश फोगाट ने कहा है कि आज मैं देश सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हूं। हमारे साथ में जो होगा हम अपने लोगों का भला करेंगे। उन्होंने कहा है कि जब हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तभी बीजेपी ने हमें फूके हुए कारतूस समझ लिया था। बीजेपी आईटी से लगातार इसे साबित करने में लगी थी लेकिन ओलंपिक में हमने खुद साबित कर दिखाया। इस मौके पर मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। बुरे समय पर पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी। क्या कुछ इस दौरान विनेश फोगाट ने कहा है, आइए सुनते हैं। पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूं पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूं। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पर रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं हर उस महिला के साथ खड़ी हूँ जो खुद को असहाय पाती है। मैं चाहती हूं कि कुश्ती जंतर मंतर पर छोड़ सकती हैं। बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया है कि हमारा करियर खत्म हो गया है, हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैंने नेशनल खेला, ओलंपिक खेला, भगवान की कुछ अलग ही योजना थी। उन्होंने कहा बजरंग और डोपिंग के आरोपों में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया क्योंकि वो हमारे साथ खड़े हुए। हमारी लड़ाई अदालत में जारी रहेगी। विनेश ने कहा है कि दिल से खेला, दिल से आपके साथ खड़े रहेंगे।